back to another video. Today I'm out here in the open because बहुत time हो गया था जिमनी को चलाए हुए, तो I took out the जिमनी, brought it to an off road trail. I'll show you the trail in a minute. ये देखो इस type की ये पूरी trail है एक, so I brought the car here. Very scenic in fact. तो दिस इज द प्लेस वेर आई ब्रॉट द कार. आई जस्ट शो यू द कार इन अ बिट. और बूट में मैं अपनी एक दो डाईकास्ट कार्स वगैरह भी लेके आया हूँ, तो आई शो यू व्हाट ऑल आई ब्रॉट. लेट्स होप आई एम एबल टू टेक अ कपल ऑफ गुड पिक्चर्स ऑफ देम. दिस इज इट, दिस इज द कार, यू कैन सी राइट हियर. यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिस इज व्हाट द कार लुक्स लाइक. पीछे यहाँ पे एक लेक टाइप का बन चुका है बिकॉज दीज आर ऑल यू नो ऑल दीज रॉकी एरियाज, तो रॉकी एरियाज में यहाँ पे लेक टाइप का बना है. And just look at this, look at how scenic the whole view is. And भाई मारुति ने इस गाड़ी की इज्जत बहुत गिराई है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट पर्सनली स्पीकिंग आई लव दिस कार, इट्स माई फेवरेट कार. एंड एवरी टाइम आई गो आउट फॉर अ ड्राइव इट्स सच अ नाइस एक्सपीरियंस. इस टाइप की जगहों पर भाई कौन सी गाड़ी आती है. दीज आर प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल्स वेयर यू आर एबल टू ब्रिंग दिस कार. I love it. Anyway, right now I'll just come out here. ठीक है, अभी इधर आता हूँ. I'll show you what all I've brought. तो it's got a hydraulic assist. ये hydraulic से अपना पूरा खुद से खुल जाता है. Anyway, I'll show you what all I've got. ये देखो, ये मैं अपनी एक लाया हूँ. This is the ऑटो वाइट जिमनी. ये मेरी क्योशो की है. This is the क्योशो जी वैगन एंड दिस इज द एल सी डी लैंड रोवर. तो कोशिश करता हूँ इनकी एक दो अच्छी अच्छी फोटोज निकालने की. आई ब्रिंग दीज ऐसे पूरा ऐसे चादर वगैरह डाल के ताकि इसको ज़्यादा जर्क ना लगे, क्योंकि लैडर ऑन फ्रेम है तो थोड़ा तो इसमें बॉडी रोल रहता है. देखो अभी इसको मैं ऐसे केयरफुली निकालता हूँ. लेट्स होप आई एम एबल टू टेक अ कपल ऑफ गुड पिक्चर्स ऑफ दिस. ओवरऑल प्रिटी डिसेंट, यहाँ पे व्यू वॉज वेरी नाइस. मेट अ कपल ऑफ फोक्स लोकल. छोटी वाली तो गाड़ी के साथ फ्री आती है. यहाँ पे दे हैव देयर ओन थिंग गोइंग ऑन. दिस इज इट, थोड़ी सीनिक सी ड्राइव है. प्रिटी गुड फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली. इट कम्स अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इट्स अ वेरी सीनिक ड्राइव. सामने भी अगर आप देखोगे ना तो इट्स अ ब्यूटिफुल स्ट्रेच. यहाँ पे ऑफ रोडिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हो. लाइक थोड़ा बिग प्रॉब्लम, ट्रेल्स बहुत सारे हैं दाएँ बाएँ, जिधर भी आप चाहो जा सकते हो. जिमनी है, थोड़ा थोड़ा ऑफ रोडिंग ऑप्शन. जैसे अभी मैं आई कैन ईजिली पुश इट. देखो, दिस इज द प्लेस आई वॉज टेलिंग यू फोक्स अबाउट. ये वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स है. यू कैन सी काफ़ी सारा पानी आता है इसमें. मॉनसून है तो उसकी वजह से और भी बढ़िया है. एंड प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि आज वर्किंग डे है. मैं अपना टाइम निकाल के आया हूँ, तो देर इज लिटरली नो वन आउट हियर विच इज़ वेरी नाइस. नहीं तो भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि उसी से मूड खराब हो जाता है. ये सीनिक चीज़ों की ब्यूटी अकेले ही एंजॉय करने में होती है. पर्सनली व्हाट आई फील, दिस इज लाइक द बेस्ट व्यू ऑफ द वाटरफॉल. यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ से जो पानी गिर रहा है कहाँ नीचे तक जा रहा है पूरा आपको नजर आ रहा है, विच इज फेनोमिनल. वैसे तो भाई मैं डाईकास्ट ब्लॉगिंग करता हूँ, पर ये देखा तो आप लोगों को भी दिखा दिया. And just a random day out kind of a thing. Day was pretty nice. यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर बादल थे और इस तरीके से यहाँ पे I'll post some pictures, I'll attach some pictures. And just a random day.